हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा आम का अचार आज बनाएगा। आम का अचार हर साल हम बनाते हैं, तो इस बार आप लोग को ज़रूर दिखाएगा मेरा पसंद, जैसा हम पसंद से बनाते हैं उसको आप लोग को दिखाएगा। तो बने रहिए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा आम खुद का बागान से लेके आए, लेकिन हम तोड़ने वाला जगह में तो हम खुद नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल जंगल है, इसलिए बेटा लोग को गिराने दिया है। काटा देखिए, तो दो किस्म का बना के देखिएगा। ये गुट्टा गुट्टा है, ये लंबा लंबा है। सूखने का बाद तो छोटा हो जाएगा। इतना मेहनत होता है अचार बनाने में भी, आज दिन भर काटा है। गाइस, हम तो चार दिन सुखा के इसको तेल मसाला में डाल देगा, क्योंकि हमको थोड़ा तान हमको पसंद है। अपना मर्जी है, एक दिन भी सुखा के डाल सकता है, वो तो अपना मर्जी है। गाइस, ये है अचार मसाला। इतना दाम है, एक किलो का 500, क्योंकि मेरा अचार जो इतना सारा है तो 500 का भी नहीं पहुँचेगा शायद। थोड़ा इसको ऐसे भाजी करके डालना है, ताकि उसका घन और भी अच्छा हो। ग्लिंडर में भी सुखाए, तो दो बयाम भी होगा कि नहीं होगा, एक बयाम आधा होगा शायद। इतना थोड़ा हो गया, तो और भी लाना पड़ेगा। गाइस, यही सिर्फ से तो नहीं पहुँचेगा मेरा अचार में। तो आप लोग भी बना के देखिए, आप लोग को भी पता चल ही जाएगा कितना मसाला आता है, कितना तेल आता है। तेल भी इतना ज़रूरी होता है, और मसाला भी अगर थोड़ा थोड़ा डालने से उसे काम नहीं चलेगा। तो अभी रेडी हो गया, तेल पे डालते हैं। तो देखिए, एक तो ज़्यादा ही सूख गया, दोनों को अलग अलग से बनाएगा। और यहाँ पे सब रेडी हो गया। तेल भी तीन लीटर तेल सिर्फ लेके आए, लेकिन और लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा ये भी। इतना पसीना होके भी कर रहे हैं गाइस, खुद का पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खरीद के खाने से बेहतर ऐसे खुद बना के खाना है। अपने हम तो खुद ऐसे बना के खाता है तो इतना अच्छा लगता है। दुकान के खरीद के खाने से तो एक दो दिन में ख़त्म होता है, तो खुद बना के खाने से एक साल दो साल तक भी चलेगा घर के लिए। ऐसे मेहनत करके खाना है। आप लोग भी मेरा से देख के बनाओ, सब बनाओ। अगर अच्छा नहीं होगा तो हमको पूछो, कुछ कमी है तो हमको पूछो। सबसे ऐसे डाल के बनाना है, सब दिखा रहा है। तो आप सब भी बनाने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि आप सब के लिए हम अभी वीडियो पे दिखा रहे हैं। हर साल ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए, लाइट भी चला गया, जब भी वीडियो बनाता है लाइट भी जाता है। तो देखिए, इतना अच्छे से बना है, इतना खुशबू, अच्छा खुशबू आ रहा है। तो गाइस, देखते हैं, दो तीन दिन धूप में सुखा के खा के देखते हैं। तो हो गया, अभी सबको भाजी करके अभी बतल में भराना है। थोड़ा इसमें कच्चा तेल भी डाल देना है, ऊपर से कच्चा तेल डाल के सुखाना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी भराएगा इतना सारा। तो बयाम भी देखिए, मेरा बयाम शीशा का नहीं है, शीशा का इतना हम फ्लिपकार्ट से मंगाया था लेकिन नहीं मिला है। तो यहाँ पे भरा सूखा है इतना सारा, 6 बयाम, वो भी लंबा लंबा ला। तो इसको एक हफ्ता का साथ सूखा, एक हफ्ता सूखा के खा के देखेगा, इतना सारा बनाया है। हाँ, तो आप लोग को कैसा लगा मेरा आम का अचार बनाने वाला? अगर कुछ कमी है तो आप लोग भी ज़रूर हमको बताइए। तो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय।